बहुत बड़ी न्यूज है, हमें रोमन रेंस एंड एज का मनी इन द बैंक से पहले ही मैच देखने को मिल जाएगा। यस, ये सिक्स मैन टैग टीम मैच होगा जिसमें रोमन रेंस एंड द उसोस वर्सेस एज एंड मिस्टीरियो फैमिली होंगे। ये हमें स्मैकडाउन के शो के बाद जब टॉकिंग स्मैक चल रहा था तब बताया गया हमें। एंड नेक्स्ट वीक क्राउड भी आएगा, तो क्या मैच होगा भाई क्राउड के सामने ये। एंड गाइस, WWE इस मैच के लिए राइवलरी भी बिल्ड कर चुकी है पिछले स्मैकडाउन के एपिसोड पर, जिस पर हमने मिस्टीरियो फैमिली को अटैक करते हुए देखा था उसोस पर। एंड गाइस, एज एंड रोमन रेंस की राइवलरी तो चलती आ रही है, दो हफ्ते हो गए हैं। इस मैच में दो टीम्स हैं, एक तो है टीम रोमन रेंस, दूसरी है टीम एज। आप किसकी टीम की तरफ हो, रोमन रेंस की या फिर एज की, कमेंट्स में मेरे को जरूर बताइएगा। लेकिन गाइस, जैसा मोमेंटम चल रहा है यहाँ पर एज की टीम के जीतने के ज्यादा चांसेस है, लेकिन फिर भी मैं सपोर्ट कर रहा हूँ रोमन रेंस की टीम को। एंड गाइस, अगली न्यूज जो की बहुत ही बड़ी न्यूज है, अगले वीक से WWE पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी, क्योंकि भाई क्राउड आने वाला है, लोग आने वाले, ऑडियंस आने वाली है, और भी ज्यादा मजा आता है ऐसे मैचेस देखने में। एंड गाइस, ये लास्ट एपिसोड था स्मैकडाउन में थंडर डोम का, इतना टाइम हमने थंडर डोम में देखी स्मैकडाउन। एंड गाइस, बेली ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की है कि कैसे स्मैकडाउन का थंडर डोम डिसमेंटल किया जा रहा है। एंड यस गाइस, वैसे याद तो आएगी कभी कभी थंडर डोम की, लेकिन मैं करना नहीं चाहता। बेली को इंजरी तो हो चुकी है, लेकिन मजाक नहीं उड़ाना छोड़ रहे सिजारो का। आप देख सकते हो कैसे सिजारो का खून निकला हुआ है, सेथ रॉलिंस ने निकाला था। इसी बात पर बेली हंस रही है कि अगर तुम डिंग डोंग शो पर मेरे बगैर, मेरी बिना परमिशन के आओगे एंड सेथ रॉलिंस को तंग करोगे, उसकी पैंट उतारोगे, तो यही हाल होगा तुम्हारा। बेली तो भाई बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग है। एक नया सुपरस्टार स्मैकडाउन पर आ रहा है, उसका नाम आपको मैं बताता हूँ। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी के अभी जाके सब्सक्राइब बटन को ना सुपरमैन पंच मार दो, नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर देना। जो 42,000 का हमारा एम है, आई होप आप जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दोगे। अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो लाइक मार के अपनी अटेंडेंस लगवा दो। नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं। टोनी स्टॉर्म का जल्दी से जल्दी डेब्यू होने वाला है स्मैकडाउन पर। स्मैकडाउन पर इनका प्रोमो आया था, आई होप कि वो रो पर जाते तो ज्यादा अच्छा होता, वहां पर थोड़ी सी जरूरत भी है वुमेन डिवीजन की, लेकिन बेली के जाने के बाद तो स्मैकडाउन पर आ गई, वो भी ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हम रेसलिंग कम्युनिकेटर पूछ रहे हैं, भाई आपका फेवरेट सुपरस्टार एज स्टाइल क्यों है? गाइस, वो पेपरव्यू था रॉयल नंबर 2015, जब तीसरे नंबर पर एंट्रेंस हुई थी एज स्टाइल की, पता नहीं क्यों तब से भाई बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे। मैंने रिसर्च की, बहुत ही अच्छे सुपरस्टार थे, तो मेरे धीरे धीरे फेवरेट बनते गए अपने आप। सो आप भी कमेंट्स में अपना फेवरेट सुपरस्टार बताओ। अगर आप यहां तक आ गए हो, सब्सक्राइब बटन ऑन कर देना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, लाइक बटन को जरूर दबा देना। माय नेम इज सोहेल, बाय बाय।